मैं ओम प्रकाश जगुका श्रीराम क्लासेस बीकानेर के इस प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, मुद्रा विनिमय से पूर्व जो वस्तु विनिमय अस्तित्व में था, प्रचलन में था, तो दोस्तों वस्तु विनिमय में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मुद्रा अस्तित्व में आई या प्रचलन में आई। वस्तु विनिमय में जो पहली प्रॉब्लम या पहली कठिनाई देखने को मिली उसको बोलते हैं आवश्यकता, आवश्यकताओं के दोहरे, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दोस्तों, विनिमय के मध्य दो पक्षों का होना जरूरी है, क्रेता और विक्रेता। मान लीजिए एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति दो व्यक्ति हैं और एक्स व्यक्ति के पास कपड़ा है और वाई व्यक्ति के पास गेहूं है। तो यहाँ पर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव का तात्पर्य यह है कि अगर इन दोनों व्यक्तियों के पास केवल ये एक एक आइटम ही है तो जिसके पास कपड़ा है उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको मान लीजिए गाय चाहिए या कोई और वस्तु चाहिए, और जिसके पास गेहूं है उसको कपड़ा नहीं चाहिए। तो एक व्यक्ति के पास उपस्थित वस्तु की ज़रूरत जब दूसरे व्यक्ति को ना हो तो दोस्तों इन दोनों के मध्य सौदा नहीं हो सकता, इन दोनों के मध्य विनिमय नहीं हो सकता।